अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट टू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बॉटनी फर्स्ट ईयर डीजे कॉलेज। इसमें हम जो है डेफिनेशंस पढ़ रहे थे कि डिफाइन करने थी हमें कुछ डेफिनेशंस, उनमें से एक बाकी हम सारी डिस्कस कर रहे थे। पहली हमने पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी, और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी, न्यूक्लियस पढ़ा था, गॉल्जी बॉडीज पढ़ी थी पिछले पार्ट में। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स से स्टार्ट करेंगे। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं, और ये डिफरेंट शेप्स की होती हैं, कहाँ बहुत छोटी छोटी बॉडीज बनके निकल रही होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है, प्रोप्लास्टिड्स कह रहे होते हैं। अब ये जो है तीन तरह की होती हैं। ठीक है, पहली जो हमारे पास आ जाती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, एक होती है क्रोमोप्लास्ट और एक होती है लिकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होता है वो रखता है अपने अंदर डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स। ठीक है, जो फ्लावर्स वगैरह में होते हैं इस तरह के पिगमेंट्स रखता है। और जो लिकोप्लास्ट होता है वो व्हाइट ऑफ व्हाइट या कलरलेस पिगमेंट रखता है, जो कि रूट्स वगैरह को कलर देता है। अब फंक्शन क्या होता है इन तीनों के, अलग अलग होते हैं। पहला इसका होता है फूड मटेरियल स्टोर करने में हेल्प करता है। ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करेगा। दूसरा वाला जो कलर्ड पिगमेंट प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, वो हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में दूसरे इंसेक्ट्स को, ताकि पॉलिनेशन वगैरह परफॉर्म की जा सके। तीसरा वाला जो होगा वो कैप्चर करेगा लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे राउंडेड बॉडीज होती हैं जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आरएनए और प्रोटीन बन रहा होता है इसके अंदर, आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है इसके अंदर। अब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। अब जो स्मॉल, अब यहां पे बताया हुआ है जो लार्जर सब यूनिट होता है ना, वो डोम शेप होता है, वो डोम शेप होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो फ्लैट एंड होता है। ठीक है, अब दोनों जो है ना इस तरह अलग अलग रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो आपको पता ही सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह अलग अलग मौजूद होते हैं, लेकिन जब इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है ना, तो ये आपस में यूनाइट करते हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक कम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां जब इनका काम हो, मतलब जब इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब ये जो है या तो फिर दो तरह से पाए जाते हैं, या तो फिर जो ये बिलियंस एंड मिलियंस इन नंबर होते हैं, और जो है ये फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी ऐसे भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, या तो फिर ये कनेक्ट हुए होते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन इनका ये है कि ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी कहते हैं। सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, और अगर आपको मजीद लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर मॉडिफिकेशंस प्रपोज्ड बाय मार्गलिस एंड शुवार्ट्ज इन वाइटेकर्स स्कीम ऑफ किंगडम सिस्टम। जो वाइटेकर्स ने स्कीम मतलब प्रपोज की थी किंगडम सिस्टम की, उसमें क्या जो मॉडिफिकेशंस थी वो उन्होंने बताई थी, किसने? मार्गलिस एंड शुवार्ट्ज ने। तो उसमें हम बताएंगे कि पहले उनमें हमें मसला क्या हो रहा था। हमें मसला ये हो रहा था कि उन्होंने जो है मल्टी सेलुलर एल्जी को जो है कहां पे प्लेस कर दिया था, प्लांट किंगडम में, जबकि जो यूनिसेलुलर एल्जी थे वो अलग किंगडम में मौजूद थे। तो इस तरह से जो है ये दोनों अलग अलग किंगडम में चले गए थे। तो मार्गलिस एंड शुवार्ट्ज ने ये सपोज किया या ये सजेस्ट किया, ये बताया कि हमें जो है मल्टी सेलुलर एल्जी को प्लेस करना चाहिए कहां पे, अलग किंगडम में। पहले तो हमें उसे प्लांट किंगडम से रिमूव करना चाहिए, वहां से हटाना चाहिए, और फिर उसे एक अलग किंगडम में यूनिसेलुलर एल्जी के साथ रखना चाहिए प्रोटिस्ट में, और फिर उसको हम नाम दे देंगे प्रोटोक्टिस्ट का। क्योंकि जो मल्टीसेलुलर एल्जी है ना, वो यूनिसेलुलर एल्जी से बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है, फीचर्स जो है कॉमन रखते थे, बहुत ज्यादा रिजेम्बल करते थे, तो इस वजह से इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना जो है कंफ्यूजन प्रोड्यूस मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, जबकि इतना ज्यादा वो प्लांट से रिजेम्बल नहीं करते थे जितना ज्यादा वो अपने यूनिसेलुलर एल्जी से रिजेम्बल करते थे। तो इस तरह ये हुआ कि जब हमने उसे प्लांट किंगडम से रिमूव करके
उसमें प्रोटिस्ट में रख दिया, उसका जस्ट नेम थोड़ा मॉडिफाई करके प्रोटोक्टिस रख दिया, तो उस टाइम ये हुआ कि मल्टीसेलुलर एलजी जो है अपने क्लोजली रिलेटेड यूनिसेलुलर एलजी के ग्रुप में आ गए। ठीक है, उसके बाद हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे की। इसको हम चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह बुक में लिखा हुआ था तो आप इस तरह लिख लें तो बेहतर है। पहला डिवीजन होता है ब्रायोफाइटा और दूसरा वाला होता है ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको इतने ज्यादा वैस्कुलर टिश्यूज की जरूरत नहीं होती है। दूसरे ट्रेकियोफाइटा होते हैं जो कि वैस्कुलर प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइटा में तीन क्लासेस आ जाती हैं, एक हेपेटिसी, एक मसाय और एक एंथ्रोसेरोटे। इनके भी मतलब नेम्स होते हैं अलग अलग, इसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, मसाय को मॉसेस भी कहते हैं और एंथ्रोसेरोटिक को हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। सब डिवीजन आ जाते हैं इसके अंदर। डिवीजन टू में सेलोप्सिडा होता है, लाइकोप्सिडा होता है, स्फेनोप्सिडा होता है, टेरोप्सिडा होता है और स्पर्मोप्सिडा होता है। अब इनके ये नेम्स जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वगैरह के बेसिस पे दिए गए हैं। सेलोप्सिडा को सेलोप्सिड्स कहा जाता है, लाइकोप्सिडा को क्लपमोसिस कहा जाता है, स्फेनोप्सिडा को हॉर्स टेल भी कहते हैं, बाकी टेरोप्सिडा को फर्न्स कहते हैं और स्पर्मोप्सिडा को सीड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि हमें बताना है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड या फिर लीफ को डिफाइन करना है। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ कोई एक डिफाइन करना है। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ सीड किस तरह से हुई थी कि तीन स्टेप्स थे एवोल्यूशन ऑफ सीड में। सबसे पहले जो है हेट्रोस्पोरी बनता है एक स्ट्रक्चर, फिर क्या होता है कि एक उसके आगे मतलब इसके जो है एक इंट्यूगमेंट बनता है जो कि प्रोटेक्ट करता है मेगास्पोरेंजियम को। ठीक है, अब होता क्या है, वो मेगास्पोरेंजियम यानी कि मेगा स्पोर जो होता है ना, उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मौजूद रहता है और फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ। अब हुआ क्या, जब हमने एग्जामिनेशन करी ना मेच्योर सीड की, तो उससे हमें ये पता चला कि इंटीग्यूमेंट जो होता है ना, जो उसके अंदर जब मेगास्पोर मौजूद होता है तो ना ही वो सिर्फ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब ना ही सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, बाकी उसके जब तक वो मतलब डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, वो उसको फूड भी सप्लाई कर रहा होता है। दूसरे में हमें बताना है डेवलपमेंट एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अब इसमें दो तरह के लीफ होते हैं, एक माइक्रोफिलस होते हैं, एक मेगाफिलस होते हैं। माइक्रोफिलस में वन वीन मौजूद होती है और मेगाफिलस में ज्यादा सी वीन मौजूद होती है। तो अगर हम बात करें माइक्रोफिलस वीन्स की, तो माइक्रोफिलस जो होते हैं ना उसमें हमारे पास बहुत सारे हाइपोथेसिस मौजूद हैं, और जो एक सिंपल हाइपोथेसिस मौजूद है वो ये है कि एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल के आता है नेकेड स्टेम से। अब होता क्या है कि वो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नेकेड स्टेम से निकल के आता है और उसमें जो है उसके अंदर थोड़े से टिश्यूज वगैरह और एक वैस्कुलराइज टिश्यू आ जाते हैं और फिर बाद में जो है वो लीफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके अलावा अगर हम मेगाफिलस की बात करें तो उसमें पहला स्टेप ये होता है कि फोर्क ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, जैसे कि तीनों डायमेंशंस में आगे पीछे ब्रांचेस बन रही होती हैं प्लांट्स की, फिर वो पहले तो एक ही प्लेन में अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, वही वाली बात बताई हुई है कि रेस्ट्रिक्शन हो जाती है फोर्क ब्रांचेस की, एक सिंगल प्लेन में जो है ये अलाइन हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये सिंगल प्लेन में अलाइन हो जाती हैं तो इनके दरमियान की जो स्पेसेस है ना वो वैस्कुलराइज टिश्यू से फिल होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जो रिजेंबल कर रहा होता है किसे, वेब फुट ऑफ डक को। ठीक है, यहाँ पे जो है हम अपना सेकेंड पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।